आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि कोरोना महामारी ने किस तरह से अपना कहर बरसाया है, और आज ये परिस्थिति बनी हुई है कि भारत में कोई भी परिवार आपको ना मिले, ऐसा नहीं मिलेगा जो कोरोना से प्रभावित ना हुआ हो। किसी ने, आप देखेंगे, अपने परिवार में से किसी मेंबर को खोया, या वो अपनी इस प्रॉब्लम में जूझा, या फिर आप देखेंगे किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, किसी ने अपने दोस्त को खोया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर परिवार लगभग, आप देखेंगे, इससे कुछ ना किसी तरह से प्रभावित जरूर हुआ है। आर्थिक रूप से देख लीजिए, फिर चाहे वो किसी भी तरह से आप देखिए। और आप सभी लोग ये भी जान रहे हैं, कई बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनके सिर पर से माँ या फिर पिता, या आप देखेंगे दोनों का एक तरह से हाथ उठ चुका है, उनके माँ बाप की डेथ हो चुकी है एक तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ये चिंतित, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बड़े चिंता में है। और आपने देखा है कि हमारी केंद्र सरकार ने भी इनके ख्याल रखने की बात की हुई है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत। लेकिन आप समझिए कि इस पर मुझे लगता है कि सरकारें, कई राज्य सरकारों ने भी फैसला लिया है, लेकिन सरकारें किस तरह से इनकी मदद करती हैं, नहीं करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि सरकारों इस टाइम में, आप कह सकते हैं कि आपकी सरकारों से बेहतर काम एनजीओ और समाज सेवी संगठनों ने किया हुआ है, तो इसलिए आप देखते हैं कि सरकारों पर भरोसा भी कम ही लोगों को है। समझ रहे हैं? और आजकल आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये भी काफी सक्रिय है। और आप लोग जानते हैं कि आज का भी इतिहास आने वाले समय में लिखा जाएगा, उस समय मूल्यांकन किया जाएगा कि इस समय जो महामारी चल रही थी, ये संस्थाएं क्या कर रही थी, या इस समय के लोग क्या कर रहे थे। तो इसलिए भी आप देखिए, साफ छवि रखने के लिए आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब चुनाव ऊपर हत्या का मामला दर्ज करने की बात हुई, एक हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि हत्या का एक केस चलना चाहिए, तो आपने देखा है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, क्योंकि उसे भी अपनी छवि की चिंता एक तरह से सताई हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आप स्थिति बनी हुई है। और आप सभी लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह के जो भी संगठन हैं, इनसे आपके स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, या वन डे एग्जाम हो, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम 5 से 6 साल के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, उसमें आपको देखने को भी मिल जाएंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि संविधान के भाग 5 में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। और अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को। पहले आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे, हरिलाल जे कानिया थे, इन्हें आप लोग शॉर्ट में एच जे कानिया भी कहते हैं। और करेंट की अभी बात करें हम लोग, तो 48वें आपके नाथुलापति वेंकट रमन्ना, इन्हें आप लोग एनवी रमन्ना भी कहते हैं, ये हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, इसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतना याद जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे आप लोग की स्वतः संज्ञान लेते हुए महामारी के कारण अपने निकटस्थ लोगों को खोने वाले और सदमा झेलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की तरीकों की जांच की जा रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि सरकार ने बहुत कम आंकड़े बताए हुए हैं कि इतने अनाथ बच्चे हुए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कई आपकी रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। इस संबंध में आप देखेंगे कि 28 मई को अदालत ने केंद्र सरकार को महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का निर्देश दिया था। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्य को तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित करते हुए संबंधित जानकारी को संकलित करने के लिए भी कहा गया है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम ही यही होता है कि बच्चों की देखभाल करना जो अनाथ हैं, या इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। बाल स्वराज की बात करें, तो आप देखेंगे कि बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर NCPCR ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं। क्या क्या कहा है इसमें? उसने कहा है कि देश भर में 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल
और सुरक्षा की आवश्यकता है। कितने? 10,000। और इसमें आप देखेंगे मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान 0 से 17 यानी कि 0 से 17 वर्ष तक की आयु के अनाथ या परित्यक्त बच्चे शामिल हैं आपके। आप जानते हैं कि मार्च 2020 से आपने देखा है कि हमारे देश में कोरोना काफी कहर बरसाना शुरू किया था, और आप जानते हैं कि मार्च 2020 से ही आपका लॉकडाउन भी लगा हुआ था। इन बच्चों के लिए आप देखेंगे तस्करी और देह व्यापार में धकेले जाने का खतरा काफी अधिक है। आप जानते हैं कि जब अगर कोई इन्हें सेफ्टी नहीं देगा, सुरक्षा नहीं देगा, तो इनके व्यापार की भी बात उठने लगती है, बेचने की भी आप देखते हैं। ठीक है, इन पर आप देखेंगे विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। फैलाकारी कोविड-19 महामारी ने समाज के कमजोर वर्गों को तबाह कर दिया है, और ऐसे कई बच्चे हुए हैं जो या तो फिर आप देखेंगे परिवार में कमाने वाले या फिर अपने माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हो गए। इन बच्चों को अधिकारियों की ओर से तत्काल और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हाल में इन्हें जरूरत है। आगे का क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी हाल में इनकी किस तरह से मदद हो पा रही है, किस तरह से शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है, ये मायने रखेगा इनके लिए। ठीक है, और आप सभी लोगों को ये भी मालूम है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन पर कुछ ज़्यादा ही इसका कोरोना महामारी का प्रभाव देखा गया है। अगर हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। तो इस अधिनियम को याद रखिए और इस डेट को भी याद रखिए, कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, तो इस मंत्रालय को भी आप याद रखिए। जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आयोग के कार्य की बात करें तो आप देखेंगे देश में बनाई गई समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप होने को सुनिश्चित करता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एनसीपीसीआर की शक्तियों, इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो इसमें आप देखेंगे कानून के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच कर सकता है और किसी व्यक्ति को पूछताछ करने ही तो बुलाना और साक्ष्यों की मांग कर सकता है। कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और इसके कार्य शक्तियों में शामिल है न्यायिक जांच का आदेश भी देख सकता है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जब आपके अधिकारों का हनन होता है, आप जानते होंगे, ये भी जानते होंगे संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर इनका हनन होता है तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और आपके अधिकारों की रक्षा करेगा ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से संपर्क भी कर सकता है और प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश भी कर सकता है। और आयोग की अगर गठन की बात करें हम लोग तो इस आयोग में आप देखेंगे एक तो अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, और याद रखना चाहिए कि इन जिनमें से कम 2 महिलाएं होना आवश्यक है। ठीक है, और सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने? 3 साल का। आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम आयु की बात करें तो 65 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष होती है, यानी कि 3 साल कार्यकाल 3 साल और आयु 65 और सदस्यों के लिए 60 साल, जो भी पहले हो उस हिसाब से। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में यही सब पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से आ जाएगा आराम से। और कई बार आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस में आपका मुख्य परीक्षा में ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, 3 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन जिस भी स्टेट पीसीएस में आते हैं, तो आपकी इनकी शक्तियों के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, तो इनकी शक्तियों को भी आप लोग याद रखिए। और इस संस्था की जो आयोग है इसकी जो संरचना है इसको भी आप लोगों को विशेषतर याद रखना होगा। ठीक है,